Hello students, welcome to the science class. So in the series of the experiments for the discovery of electron, proton and neutron and further for the structure of atom, we have studied about so many experiments. For example, just say Rutherford, Geissler, Hittorf, Crookes and so on. And in the last lecture, we discussed about J.J. Thomson's experiment and the discovery of electron. Aapne dekha tha na, ki electron ki discovery हो चुकी है और अब हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन. क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है. सब एटॉमिक मींस एटम से भी एक छोटा. पहले तो ये था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था वो क्या था? एटम था. डेल्टन की थ्योरी क्या कहती है? डेल्टन की थ्योरी कहती है कि एटम इज अल्टीमेट स्मॉल पार्टिकल. ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. लेकिन जे.जे. थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया किसकी हेल्प से? कैथोड रेस की हेल्प से. जो कैथोड रेस डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की? जूलियस बिल्कर ने. तो जे.जे. थॉमसन ने ये फाइंड आउट किया कि जो कैथोड रेस है वो बनी हुई है किसकी? दे आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है. तो अगर कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है, इसका मतलब है कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम दिया किसने? बोलो, जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया. तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. और ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं? चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इसी सबसे आइडिया आया इवन गोल्डस्टीन को कि अगर किसी एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या एटम्स के अंदर से कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं, उसमें रेस निकलती हैं एटम से, मैटर के एटम से रेस निकलती हैं जो कि जिनको हम कैथोड रेस कहते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा. एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा. होगा या नहीं होगा? अरे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा. तो युगन गोल्डस्टीन ने वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया. वही सब सारे लोग वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इस पे डिस्चार्ज ट्यूब पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड्स. युगन गोल्डस्टीन ने भी किया. सो द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट. ई गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. जैसे कि जे.जे. थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशंस किए. जे.जे. थॉमसन ने कौन से थ्री मॉडिफिकेशंस किए? मैंने आपको थ्री मॉडिफिकेशंस बताए थे. एक तो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया कि उसका जो एनोड था वो कैसा लिया? डिस्क टाइप एनोड, ताकि एक नैरो बीम मिल जाए अल्फा पार्टिकल्स की, सॉरी कैथोड रेस की. ठीक है, कैथोड रेस की एक नैरो भी मिल जाए. दूसरा उन्होंने मॉडिफिकेशन किया कि एक स्क्रीन प्लेस की बिहाइंड दी एनोड. ठीक है, एनोड के पीछे एक स्क्रीन लगाई. और थर्ड मॉडिफिकेशन था टी प्लेस टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स बिहाइंड दी एनोड फॉर द डाइवर्जन ऑफ कैथोड रेस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइवर्जन तो हुआ था, उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स लगा दिया. और ये डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह का कोई मॉडल जो ट्यूब थी उसका कंस्ट्रक्शन किया. और ये स्मॉल होल है जिसमें, और यहां पर टू इलेक्ट्रोड्स लगा दिए फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ कैथोड रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस. और उसके बाद इनको ये ग्लो मिला था इस तरह से. जब पॉजिटिव नेगेटिव इन्होंने पोल्स को रिवर्स करके देखा इन पर, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इनको ग्लो इधर मिला था इन द डायरेक्शन ऑफ पोल. ये किसका एक्सपेरिमेंट है?
जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का अपोजिट किया इवन गोल्डस्टीन ने। उन्होंने क्या किया, स्क्रीन इधर नहीं लगाई, इसको पलट दिया, बोले स्क्रीन एनोड के पीछे नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, बोले बहुत लोगों ने इधर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बहुत लोग कैथोड की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। बोले मैं ऐसा करता हूं, स्क्रीन इधर हटाओ, इधर ऐसा ही रहने दो। बोले बहुत पढ़ लिए कैथोड रेस, कैथोड रेस, दिमाग खराब हो गया इतने दिनों से कैथोड रेस पढ़ते हुए हैं। बोले ऐसा करो, इधर हटाओ, इसको ऐसा ही रहने दो। स्क्रीन इधर लगा लेते हैं, क्योंकि कैथोड रेस से तो कैथोड से कैथोड रेस तो प्रोड्यूस हो रही है, वो तो सबने देख लिया। बोले कुछ ऐसा देखते हैं कि क्या इधर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब देख रहे हैं कि उधर जा रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कहीं ग्लो हो रहा है, कहीं डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बोले इधर कुछ नहीं हो रहा है, खाली पड़ा हुआ है सूना जंगल का। बोले इधर देखते कुछ लगाते, इधर भी देख लो लगा हुआ, कुछ मिल जाए क्या पता, है ना। तो उन्होंने इस साइड स्क्रीन लगाई फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ठीक है, इन्होंने इधर लगा दी स्क्रीन, ठीक है, ये लगा दी स्क्रीन ZNS मटेरियल, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल है, स्क्रीन लगा दी। और जो कैथोड लिया परफोरेटेड कैथोड, ये क्या है, कौन सी नई दवाई आ गई परफोरेटेड। बोले अभी डिस्क एनोड से निकल के नहीं आ पाए थे, तब तक एक और बना दिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब है कि इस कैथोड के जो प्लेट है, कैथोडिक प्लेट है, इसमें क्या थे, बीच बीच में होल्स हैं, क्या है, होल्स। बीच बीच में क्या है, अरे इस तरह का होगा, एक प्लेट ले ली, जब इसको पलट के देखेंगे 2D में तो कुछ कुछ ऐसा देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से होल्स हैं, ये है परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये हो गया एनोड, ठीक है, ऐसा कुछ है। बाकी तो वही है सेम, ये डिस्चार्ज ट्यूब, गैस एट लो प्रेशर, हाई वोल्टेज करंट कितना, 10 किलोवोल्ट से 30 किलोवोल्ट के बीच का, ठीक है। ये अरेंजमेंट किया ई गोल्डस्टीन ने, जब सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो देख रहे थे कि एनोड कैथोड की तरफ से कुछ रेस निकल रही है और वो एनोड की तरफ मूव करती हैं, जो यहां ग्लो प्रोड्यूस करती हैं स्क्रीन के पीछे, किसके पीछे, स्क्रीन कौन, सॉरी इस एनोड के पीछे, एनोड के पीछे लगी स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इन्होंने क्या देखा, जब सेम टाइम, एट द सेम टाइम अ ग्लो ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द कैथोड ऑल्सो, जब एनोड के पीछे सबको ग्लो दिखाई दे रहा था, तो इनको कैथोड के पीछे जब इन्होंने स्क्रीन लगा दी उस पे भी ग्लो दिखाई दिया, तो क्या दिखाई दिया, ग्लो दिखाई। इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब है कि सम रेज वर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड एंड कमिंग टुवर्ड्स द कैथोड।
जो क्या कर रहे हैं कैथोड पर ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्लो प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन, ये क्या हुआ, ग्लो प्रोड्यूस हो गया, ग्लो प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन बाय द एनोड रेस, एनोड रेस। अब भाई जो एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी तो उनका नाम क्या रख दिया, एनोड रेस। तो ये समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जब थॉमसन ने प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ई गोल्डस्टीन को समझ में आया कि अगर किसी एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के पार्टिकल्स होंगे तो इट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी देयर, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी देयर इन साइड द एटम, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए एटम के अंदर। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां है, उसी को फाइंड करने के लिए अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्लेस की बिहाइंड द कैथोड और कैथोड को परफोरेटेड किया। परफोरेटेड क्यों किया भाई, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, इसको परफोरेटेड कैथोड ही क्यों लिया, सीधा ले लेते ऐसे लगा देते, अगर ये ऐसे लगा देते पूरा का पूरा लगा देते इसको, अगर परफोरेटेड ना लेते वो इस तरह से बीच में होल्स ना करते तो जो कैथोड रेस आती वो क्या होती, ब्लॉक हो जाती, अरे हो जाती है नहीं, तो वो पीछे स्क्रीन लगाने का क्या फायदा है। तो इसके पीछे जो स्क्रीन लगाई है जेडरस मटेरियल की, इसको लगाने का क्या फायदा होता, कोई फायदा होता, ब्लॉक हो जाती ना कैथोड रेस, सॉरी एनोड रेस आके कैथोड से टकरा जाती, बात खत्म। तो इसलिए उन्होंने क्या किया उसके बीच में होल्स बना दिए जिससे कोई अगर कैथोड रेस उधर से जो एनोड रेस आएंगी कोई भी पार्टिकल, उन्हें पता थोड़ी ना था कि आएंगी, ऐसा नहीं पता था कि आएंगी, वो तो बाद में प्रूफ हुआ, उनका तो आइडिया था कि ऐसा हो सकता है कि उधर से भी कोई रेस निकल रही हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया परफोरेटेड कैथोड को लिया, उसमें बीच में होल्स बना दिए ताकि कोई रेस अगर आती है, कोई पार्टिकल अगर आता है कैथोड एनोड की साइड से तो वो कैथोड से पास हो जाए। सो हियर व्हाट वर द कंक्लूजंस मेड बाय द युगन गोल्डस्टीन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड, द रेस आर कमिंग फ्रॉम एनोड एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्लो ऑन द स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड। इससे क्या कंक्लूजंस निकाले युगन गोल्डस्टीन ने, so to perform the experiment for the study of positive charge inside the atom he has taken a discharge tube with a perforated cathode। उन्होंने जो discharge tube ली वो कैसे ली, उसके perforated cathode अभी आपको मैंने explain किया हुआ है। कैसी ट्यूब ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली परफोरेटेड कैथोड के साथ। एंड व्हाट कंक्लूजन ही मेड व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड व्हेन ही अप्लाइड अप्लाइड हाई वोल्टेज करंट, हाउ मच हाई वोल्टेज, अबाउट 10,000 किलोवोल्ट current across the electrodes। भाई सभी same experiment, लगभग सभी ने same experiment किया था, सभी electrodes के across high voltage apply कर रहे थे तो उनको क्या मिल रहा था, जब इन electrodes के across high voltage apply कर रहे थे चाहे वो जाइसलर, हेक्टर, क्रुक्स या फिर ये जो थॉमसन हो,
सभी ने इसके अक्रॉस इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो सबको यह मिला कि कैथोड से रेस आ रही हैं, कैथोड से रेस प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड रेस कमिंग फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड सभी को यह मिल रही थी, ठीक है, सभी को कैथोड रेस मिल रही थी कमिंग फ्रॉम कैथोड, हर किसी को, जे जे थॉमसन, क्रुक्स, जैसलर, हेटॉफ, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या डिफरेंट देखा, इवन गोल्डस्टीन ने क्या डिफरेंट देखा, उन्होंने इधर की स्क्रीन हटा दी तो उन्होंने स्क्रीन इधर लगा दी और उन्होंने देखा कि व्हेन द एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेस अ ग्लो ऑल्सो सीन बिहाइंड द एनोड, सॉरी कैथोड, कैथोड के पीछे भी उनको ग्लो दिखाई दिया और ये ग्लो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, जब कैथोड रेस तो इधर आ रही है एनोड की तरफ, कैथोड रेस किधर मूव कर रही है, एनोड की तरफ, ठीक है, कैथोड रेस इधर मूव कर रही है एनोड की तरफ, तो कैथोड के पीछे कौन ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कुछ रेस कैथोड की तरफ भी जा रही है, उसी समय कुछ रेस कैथोड की तरफ भी जा रही है, तो व्हाट ही कंक्लूडेड व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड, कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टूवर्ड्स द एनोड, भाई ये तो सभी देख रहे हैं, कैथोड रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टूवर्ड्स द एनोड, सबने देखा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अ ग्लो वॉज सीन सीन बिहाइंड द सीन ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कैथोड, जो कैथोड के पीछे स्क्रीन लगाई उस पर भी उनको ग्लो दिखाई दिया, जो कैथोड के पीछे उन्होंने स्क्रीन लगाई उस पर भी उनको क्या दिखाई दिया, एक ग्लो दिखाई दिया, जो ग्लो कौन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सम रेज और ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एनोड, कुछ रेज एनोड से भी आ रही हैं, कुछ रेज एनोड से भी आ रही हैं, इट मींस सम रेज और ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, इट मींस सम रेज और ऑल्सो कमिंग फ्रॉम from anode called anode rays, called anode rays, और उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, anode rays। तो यूगन गोल्डस्टीन ने एक और रेस डिस्कवर कर दी जो कि मैटर से प्रोड्यूस होती है, कौन सी रेस डिस्कवर कर दी, anode rays, ठीक है। anode rays की डिस्कवरी के बाद उन्होंने उनकी फर्दर स्टडी की, एनोड रेस की फर्दर स्टडी की, उनको पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से, पास किया मैग्नेटिक फील्ड से, तो उन्होंने देखा कि ये एनोड रेस जो है वो बनी हुई है किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, किसकी बनी हुई है, जो एनोड रेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है, दीज आर कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड ही नेम्ड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्या नाम दिया, consist of positively charged particles named as proton, क्या नाम रखा उसका, proton,
So this is the discovery of proton. And this experiment, this Eugen Goldstein's experiment, lead to the discovery of proton. नोट कर लिया होगा, पढ़ा दें इसको, हम पढ़ेंगे डिस्कवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, सॉरी एनोड रेस, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन. कर लिया नोट, पढ़ा दूं, आप लिया, ओके. जैसे हमने कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स of anode rays. वही characteristics हैं. Anode rays travel करेंगी straight line में. Anode rays कैसे travel करती हैं? Straight line में travel करती हैं. Positively charged होती हैं. Magnetic field और electric field की तरफ divergence हो करती हैं. तो anode rays travel in straight line path, ठीक है, straight line path पे travel करती हैं. Anode rays are positively charged rays moving towards the कैथोड. ये कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं जो कैथोड की तरफ मूव करती हैं. एनोड रेज कॉज डिफ्लेक्शन वायर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड magnetic field. And finally, anode rays are consist of positively charged particle called proton. Positively charged particle called proton. Okay, so these are the characteristics of anode rays. These are the characteristics of anode rays. Note कर लो, छाप लो इसको भी. और इसके बाद characteristics of proton. Then we will close this topic of discovery of proton. And further we will learn about the discovery of neutron and James Chadwick's experiment and Bothenbecker's experiment. कर लिया note? characteristics of proton. So first, the mass of proton. What is mass of proton? Mass of proton is 1.67 into 10 to the minus 27 kg. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. And second, charge on proton. The proton is positively charged particle. Proton is positively charged particle. With charge
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb positive. ठीक है, यहाँ चार्ज इज सिमिलर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बस क्या है साइन डिफरेंट होता है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर नेगेटिव, अगर हम इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो ये प्रोटॉन पर जो चार्ज कंसीडर करेंगे दैट इज पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन. नाउ सो द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन.